इन दोस्तों UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके माउंट मेरो क्वींस और उसामबरा क्वींस के बीच में खेले जाने वाला जो तंजीनिया ओमेंस T20 का मैच है, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्राइम प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी जगह बन पाएगी हमारे टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले कुछ अपडेट्स जो आपको जानना ज़रूरी है एक तरफा जीतने के लिए, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो देखते रहना पूरा वीडियो। तो चलिए अभी वीडियो को ना दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, देखिए ये वाला सब्सक्राइब का बटन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों। क्यों तो आप बोलेंगे, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, है ना? सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये कि देखिए हर एक मैच की वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी और फाइनल टीम हम यहीं पर शेयर करते हैं दोस्तों। जो लास्ट का मैच था दोस्तों, ये देखिए कल रात का जो ECS का मैच था, उसमें हमारे टीम की परफॉर्मेंस देखिए, हमने कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 5 कॉन्टेस्ट, और कितने विन किए, 5। एक तरफा हमने क्लीन स्वीप किया था दोस्तों, ये हमारी टीम थी। ये देखिए हमारी टीम में कैप्टन, वाइस कैप्टन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे टीम के 11 में से 9 प्लेयर्स, ड्रीम टीम में से सिर्फ 2 प्लेयर्स को हम हटा देना, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोस्तों, 24 और 12 पॉइंट इन्होंने भी दिए, इन दोनों को हम हटा देना, सभी हमारे टॉप स्कोरर्स में से थे दोस्तों। पर ये हमारी सिर्फ ये नहीं दोस्तों, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, ये सिंगल टीम से, देखिए आपके सामने दोस्तों। तो आप बोलेंगे ये टीम क्या आपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया था दोस्तों, ये देखिए ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। मैच शुरू होने के 5 मिनट 3 मिनट पहले ये टीम हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। जो भी हमने तो एक तरफा विन किया, जो भी लोग हमसे जुड़े उन्होंने भी एक तरफा विन किया होगा आराम से, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है। ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन कौन से दोस्तों, BD Lee दोस्तों। सब लोगों ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया हुआ था, हमने इनको टीम में ही नहीं रखा था दोस्तों, इमामुल हक को नहीं रखा था, हमने टॉप के सारे बॉलर्स को और हाथ से नेदरलैंड के बेस्ट प्लेयर को हमने अपना कैप्टन बनाया था, जिनको किसी ने नहीं बनाया दोस्तों। हमने एक तरफा विन किया दोस्तों, एक भी प्लेयर फ्लॉप नहीं था। डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने आसानी से हम जीते थे ये मैच। ये देखिए हैरिस रोफ हमारे वाइस कैप्टन थे इस मैच में, अगर हमारे वाइस कैप्टन, ये हमारी स्मॉल लीग की टीम थी दोस्तों, ये भी याद रख रही, इनको ना बना के इनको अपना वाइस कैप्टन बनाते ना हैरिस रोफ को, हम ग्रैंड लीग आसानी से जीत जाते दोस्तों। तो आप बोलेंगे इतनी तगड़ी टीम आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है ना, तो वो भी आपको बता दें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और सबसे पहला जो आपको लिंक दिखेगा दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो लिंक है, यही हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों। इस लिंक पर आपको टैप करने से ये लिंक आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज जो कि है ये, इस पर लेके आएगा, और नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉडकास्ट का बटन दिख रहा है ठीक इस जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, जल्दी से आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे चैनल को दोस्तों, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, अगर हमारे बाकी यूज़र्स की तरह आपको भी एक तरफा जीतना है, आपको हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अभी मैच के बारे में आपको दोस्तों, अगर हम अभी इस मैच के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें चलना है मैच पर, उसके बाद यहाँ से चलेंगे क्रिएट टीम पर। और अगर MMQ मुसम्बरा क्वींस की बात करें, यहाँ से एम की सिवाना खेलेंगे, और UBQ से यहाँ से सी डोमिनिक किरवी खेलते हुए देखेंगे। मेरी टीम की बात करें, यहाँ से मैं उसामबाना को टीम के जो
बेस्ट बैट्समैन है दोस्तों, बेस्ट विकेट कीपर है, उनको मैं टीम में रखने वाला हूँ। यहाँ से अगर बैटिंग सेक्शन पर मूव करें, एम पास्कल खेलेंगे मुसम्बरा क्वींस की टीम से, या से यूबे की ओर से खेलेंगे उमारी अमानी, ये गैब्रियल आपको खेलते हुए दिखेंगे मुसम्बरा क्वींस की। यहाँ से मेरे टीम की बात करें, इडली और उमारी दोनों मेरे टीम में आने चाहिए और आएंगे भी दोस्तों, है ना। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली अगर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में कौन इंपॉर्टेंट है, सॉरी ऑलराउंडर्स में पी जखायो इम्पॉर्टेंट है, शेमेट इम्पॉर्टेंट है, जेरोम एली और बोराक बिनी दोस्तों, ये पांच के पांच प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, हम पांचों को टीम में रखने, क्यों रखने दोस्तों, रीज़न सिंपल है, ये देखिए रिसेंट फॉर्म देखिए बहुत ही बढ़िया इनका रिसेंट फॉर्म है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, शेमेट का भी रिसेंट फॉर्म काफ़ी बढ़िया है, इनको भी रखा जाएगा, जेरोम ये भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस कर रही है दोस्तों, इनको भी टीम में रखा जाएगा। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में जैड हसन मोहम्मदी, यहाँ से सलूम और इलादियोस, ये दोस्तों ये चार कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनको टीम में रखना पड़ेगा आपको। क्यों रखना दोस्तों, क्योंकि प्लेयर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, एक तरफा आपको जिता सकते हैं, इसलिए हम इनको टीम में रखने वाले हैं। यहाँ से मोहम्मदी की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, सलूम भी इम्पोर्टेंट है और इद्रियास इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैं इल्दवास को टीम में रखने वाला हूँ और मोहम्मदी मेरे टीम में आएंगे। कुछ इस तरह से मेरी टीम बनकर रेडी हो जाएगी, आप एक बार मेरी टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं करोगे आप बहुत सारे अपडेट्स और पॉइंट जो हम हर एक मैच में हर एक वीडियो में बताते हैं टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करते हैं मैच मैच के अपडेट्स, वो सभी कुछ आप मिस कर जाओगे, तो देखते रहना पूरा वीडियो। चलिए अभी मैच के बारे में, सी और बीसी को बता दें, सी पी जखायो कमीना हमारे कैप्टन होंगे, वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ से उमारी और शेमेट में से कोई होगा दोस्तों। मैं अभी के लिए उमारो को अपने वाइस कैप्टन बना के ये टीम में सेव करने वाला हूँ दोस्तों। बाकी मैं अगर इसमें कुछ चेंज करता हूँ मैं आपको टेलीग्राम पर तो अपडेट कर ही दूँगा। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।